के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले को लेकर संसद में दिन भर होता रहा हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। उत्तराखंड में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे 7 सवाल। 3 मई को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट 13 मई को सुनाएगा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सियासी दांव। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को सुनाई खरी खरी। कहा जहां होगी जीत की गारंटी वहीं लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में 11वीं के सिलेबस में संघ के पूर्व प्रमुख के एस सुदर्शन का लेख शामिल। कांग्रेस ने लगाया शिक्षा के भगवाकरण का आरोप। और आईपीएल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। 1 मई के बाद महाराष्ट्र में नहीं होंगे आईपीएल मैच। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की अपील ठुकराई। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अभी जारी रहेगा। अगली सुनवाई 3 मई को होगी। तब तक केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए कई अहम सवालों के जवाब तैयार करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को प्रस्तावित हरीश रावत के बहुमत सिद्ध करने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट 3 मई से 3 दिन तक बहस सुनेगा और उसके बाद 13 मई को ग्रीष्म अवकाश से पहले फैसला सुना दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार इस बीच फ्लोर टेस्ट कराने पर विचार करे। वीवीआईपी चौप डीलर की खरीद में हुई गड़बड़ियों को लेकर संसद और संसद के बाहर सियासी संग्राम जारी है। राज्यसभा में इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित हुई तो इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन मोदी सरकार ने बैन हटाकर नेवी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदा। इस मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस से ये सवाल किया कि वो बताए कि यूपी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को कब ब्लैकलिस्ट किया था। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री के बीच गुप्त डील होने का आरोप लगाया। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया गांधी का नाम उछाला, जिसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। इन आरोपों के बीच बीजेपी पर पलटवार करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आरोपों से डरी नहीं हूं, इस मामले में केवल झूठ बोला जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की तरफ से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इटली के प्रधानमंत्री से सरकार की कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस की ओर से लगाया गया डील का आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में कह दिया कि आम आदमी पार्टी केवल वही चुनाव लड़ेगी जहां पर उसको सरकार बनने की गारंटी नजर आएगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल ने कहा, लोग आते हैं मेरे पास कि यहां चुनाव लड़ लो, वहां चुनाव लड़ लो, हम चुनाव केवल लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ेंगे। जहां जहां 50-50 चांस होगा वहां चुनाव लड़ेंगे। 100 में से 3 सीट जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, 100 में से 90 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। सूखे के चलते पानी को तरस रहे महाराष्ट्र में 1 मई के बाद आईपीएल के मैच नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल मैचों को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि सूखे के चलते लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और ऐसे में मैचों को बाहर ले जाना बेहतर होगा। इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सही है, कि लोगों की जिंदगी से बढ़कर क्रिकेट नहीं है। सुनवाई के दौरान मुंबई की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र क्रिकेट की ओर से पीवी चिदंबरम पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि वानखेड़े में 4 मैचों के लिए 8 से 10 लाख लीटर पानी की जरूरत है और वो सीवर का ट्रीटमेंट वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी की कमी और ऐसे में विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
आम आदमी की राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास की बात भूल गई है, ये गुंडागर्दी के दम पर भारत माता की जय बुलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कामकाज से छात्र और किसान ही नहीं देश के चीफ जस्टिस भी दुखी हैं। ये सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों को भुला चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक किताब में भगत सिंह को आतंकवादी बताए जाने का मामला गर्मा गया है। इतिहासकार और नेता इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के किताब में भारतीय क्रांतिकारी और सोशलिस्ट शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया है। दरअसल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की ओर से प्रकाशित भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किताब के चैप्टर में भगत सिंह और उनके साथियों को जगह जगह आतंकवादी लिखा गया है। भगत सिंह के परिजनों ने इस पर एतराज जताया है। भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह के पोते ने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है। देशद्रोह के मामले में जेल जा चुके जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक किताब लिखने जा रहे हैं। इस किताब में कन्हैया बिहार के गांव से लेकर जेल में जाने तक के अपने सफर के बारे में लिखेंगे। कन्हैया ने बताया कि इस किताब का नाम बिहार टू तिहाड़ होगा। कन्हैया ने यह भी बताया कि उन्होंने किताब के लिए एक पब्लिशर के साथ कॉन्टैक्ट भी किया है और ये हिंदी और अंग्रेजी में छपेगी। कन्हैया ने कहा, मैं अगला सेमेस्टर शुरू होने से पहले इस किताब को पूरा कर लूंगा। आतंकी संगठन ISIS ने घातक IED बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के कल पुर्जे का इस्तेमाल किया था। ISIS के सरगना बगदादी ने भारत की 7 कंपनियों के कल पुर्जों का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया था। इसका खुलासा स्वतंत्र समूह कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च की एक जांच रिपोर्ट में हुई है। इसको लेकर मामला लोकसभा में भी उठा, जिसका जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी ने कहा कि CAR ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे जिन सभी कल पुर्जे का जिक्र किया है उसे भारत ने लेबनान और तुर्की जैसे देशों को निर्यात किया था और पूरा व्यापार कानूनी दायरे में हुआ था। BSF हेडक्वार्टर जवानों को उनकी पत्नियों के साथ रखने की योजना पर काम कर रहा है। BSF जवानों को घर जैसा माहौल देने की कोशिश में ये योजना बनाई जा रही है। BSF के अधिकारियों के मुताबिक ये मांग कुछ समय से की जा रही थी, क्योंकि ऐसे जवान जिनकी जल्द ही शादी हुई रहती है उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए शादी के तुरंत बाद वापस आना पड़ता है। ऐसे में परिवार से दूरी जवानों के काम को प्रभावित करती है। ये नई योजना अपने शुरुआती चरण में है। इसके मुताबिक जवान शादी के 1 साल तक अपनी पत्नी के साथ बॉर्डर पर रह सकते हैं। इस योजना के लिए घर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ब्रांड एम्बेसडर बनकर करोड़ों रुपए कमाने वाले सितारों के लिए बुरी खबर है। अगर साबित हो गया कि जिस चीज का विज्ञापन कोई सेलिब्रिटी कर रहा था वो भ्रामक और ग्राहकों को बेवकूफ बना रहा है, तो उन्हें 50 लाख तक का जुर्माना ही नहीं 5 साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। उपभोक्ता मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने कल संसद में जो रिपोर्ट सौंपी है उसे देखकर कंपनी और उनका सामान बेचने वाले सेलिब्रिटीज की नींद उड़ सकती है। इस कमेटी ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कानून में बेहद सख्त उपाय करने की सिफारिश की है। इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में रहता है, लेकिन भारत से उसका संपर्क आज भी बदस्तूर बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम लगभग रोजाना भारत में बात करता है। उसके चहेतों की लिस्ट में कई नामचीन लोग भी हैं। इन हाई प्रोफाइल लोगों में कई भारतीय राजनेता भी हैं। दाऊद इब्राहिम से बात करने वालों में महाराष्ट्र के एक ताकतवर राजनेता भी हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में ये खुलासा गुजरात के वडोदरा के एथिकल हैकर मनीष भंगाले और उनके साथी जयेश शाह ने किया है। दाऊद की बीवी महजबी के नाम से दर्ज चारों फोन नंबर साबित करते हैं कि उसने अपनी बीवी को मोहरा बनाया है। बजरंगी भाईजान के निदेशक कबीर खान मंगलवार को कराची पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर कबीर खान के साथ बदसुल्की की गई और जूते दिखाए गए। पाकिस्तान विरोधी फिल्म बनाने का आरोप लगाकर कबीर खान के खिलाफ कराची एयरपोर्ट पर नारे लगाए गए। एयरपोर्ट पर कबीर खान के खिलाफ लोगों ने शेम शेम के नारे लगाए। कबीर खान कराची में एक इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इवेंट खत्म होने के बाद जब कराची से लाहौर जाने के लिए कबीर खान एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोग उनका विरोध प्रदर्शन करने लगे और नारे लगाए। राजस्थान में 11वीं के स्टूडेंट अब पूर्व RSS प्रमुख के सुदर्शन का भी पाठ पढ़ेंगे। इस मसले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने राज्य की BJP सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। दरअसल KS सुदर्शन का लेख धरा और पर्यावरण राज्य के सरकारी स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस लेख को 11वीं क्लास की हिंदी साहित्य की अपरा नामक पुस्तक में शामिल किया गया है। ये लेख पर्यावरण संरक्षण को लेकर है। इस मसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने BJP सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है।
इससे पहले साल 1998 में भी इस लेख को सिलेबस में शामिल किया गया था, लेकिन तब उठे विवाद के चलते इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। यूपी में साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दोबारा सत्ता में लौटने के लिए समाजवादी पार्टी अब अमेरिका की कंपनी की मदद लेने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियानों के लिए उन लोगों को हायर करने जा रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और बिल क्लिंटन से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा तक के चुनावी अभियान को सफल बना चुके हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के वक्त इमेज बिल्डिंग के लिए इन एजेंसियों का सहारा लिया था। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बॉलीवुड की क्वीन और किश में फोटो वार शुरू हो चुका है। कंगना के फोटो रिलीज करने के एक दिन बाद ऋतिक की टीम ने कई तस्वीरें रिलीज की है। ऋतिक की टीम ने इन तस्वीरों के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि जिस पार्टी और फोटो को लेकर ऋतिक कंगना के बीच किसी रिश्ते की अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। जारी की गई तस्वीरों के जरिए साफ किया गया कि जिस पार्टी में ऋतिक और कंगना की फोटो ली गई उसमें सुजैन भी मौजूद थी। इन तस्वीरों को लीक कर ये बताया जा रहा है कि कंगना के साथ ऋतिक का कोई अतरंग संबंध नहीं है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.